और इस वक्त की बड़ी खबर ग्वालियर से आ रही है, जहां ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह का कुर्सी को लेकर विवाद सामने आया है। इनॉक्स मूवी थिएटर में एक बच्चे का कलेक्टर की कुर्सी के पास बैठने पर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम द्वारा बच्चे की मां के साथ अभद्रता करने के आरोप लगे हैं। इनॉक्स मूवी थिएटर में हुआ आप पार्टी नेता रुचि गुप्ता और कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह से विवाद। आप पार्टी नेता रुचि गुप्ता देर रात पहुंची पड़ाव थाना कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह पर FIR दर्ज कराने। आप पार्टी नेत्री रुचि गुप्ता ने कलेक्टर व उनकी धर्मपत्नी पर लगाए अभद्रता करने के आरोप। रुचि गुप्ता ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर ग्वालियर से, कलेक्टर व उनकी धर्मपत्नी के पास की सीट पर रुचि गुप्ता के बेटे के बैठने पर कलेक्टर व उनकी पत्नी ने अभद्रता की है। जी हाँ, ग्वालियर से ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह व उनकी धर्मपत्नी पर अभद्रता के आरोप लगे हैं। मैं बच्चे के पास बैठने पर कलेक्टर व उनकी पत्नी ने आप पार्टी नेत्री रुचि गुप्ता के साथ अभद्रता की है। इस मामले पर रुचि गुप्ता ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर कलेक्टर पर आरोप लगाए हैं। वहीं इस मामले में रुचि गुप्ता पड़ाव थाना पहुंची यहां कलेक्टर पर FIR दर्ज कराने के लिए। कौशलेंद्र विक्रम जी और उनकी धर्मपत्नी, एकमात्र बच्चा मेरा सिर्फ मूवी देखने में उनकी कुर्सी पर बैठ गया तो उन्होंने हंगामा कर दिया पूरे मूवी हॉल में, उनकी साइड वाली कुर्सी में। सोचिए आपकी वो शहर का क्या है, कलेक्टर है। और मुझे आश्चर्य होता है, सबसे बड़ी बात मुझे तो वो पहचान गया। वो इतनी बदतमीजी, उन्होंने पूरे स्टाफ अधिकारियों के साथ, पुलिस उनके आगे हाथ जोड़ के खड़ी हुई थी। बड़े आश्चर्य की बात है। और अगर ये कोई आम इंसान या गरीब इंसान है तो उसके साथ ये क्या करेंगे, उसको तो सूली पे चढ़ा देंगे। तो अभी मैं लाइव हुई हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि FIR दर्ज हो। मेरे साथ बदतमीजी हुई, धमकाते हुए वो निकले और मुझे डर है कि मेरी जान को खतरा है क्योंकि वो कलेक्टर है। तो अगर FIR नहीं हुई तो मैं यहीं बैठी हुई हूँ। अपने साथियों से निवेदन करूंगी कि यहाँ जल्द से